को तिलक भी अच्छा नहीं और खादी की गांधी कैद भी अच्छा नहीं। अगर ठगने के लिए गांधी कैद तो वो भी खराब, ठगने के लिए खादी पहन ली हमने ये भी खराब, तो ठगने के लिए राम नाम ओढ़ ये भी खराब। एक घटना सुनाऊं मैं आपको सबके आपके पर समझे रखे। बंदे ने एक कई सौ साल से कुछ बाद से बता पहले के बाद रिजर्व बैंक था वहां पर, रिजर्व बैंक हो गया तो रिजर्व ये सब अंग्रेजी थे सब, तो यूरोपियन सब मैनेजर थे। तो एक व्यापारी के अकाउंट में बैंक ने भूल की 50,000 रुपये बैंक वाले ने की जगह दे दिया। इस व्यापारी ने अपना हिसाब दिखाया जवाब, तो वो व्यापारी बैंक मैनेजर के पास तो आप अपना अकाउंट देखिए आपके हिसाब में भूल मालूम होती है, इन्हें कहा अच्छा देखेंगे हिसाब देखा इनके देश में बनी है, इनको हमारी कोई थी हमारे अकाउंट ठीक, इन्हें कहा नहीं साहब भूल है आपके यहाँ फिर से देखिए फिर देखा नहीं ध्यान में आई भूल के ऐसी भूल हो गई, उसने भूल बताई 50,000 रुपये आपके ज़्यादा गए हमारे यहाँ और रुपया ले गई भूल देखी गई भूल मिल गई 50,000 रुपया दे गया लोन ले लिया। अब इतना प्रभाव पड़ा बैंक मैनेजर पर इसका कि वो दंग रह गया, किस प्रकार से भूल न मानने पर भी जो रुपया दे के जाता है क्या बात है। उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तो हमारे भगवान का यही आदेश है कि दूसरे का पैसा घर में नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार से भी भूल से भी आ जाए तो उसे वापस कर दे, जान करके ले ही नहीं। तुम किस भगवान को मानते, बातचीत हुई, वो रामायण संप्रदाय के थे सज्जन थे, तो बातचीत में बातचीत हुई कि ये जो तिलक लगाते हैं इस संप्रदाय तिलक से बड़ा इस अंग्रेज के मन में बड़ा इसके प्रति भाव आया, बड़ी श्रद्धा हुई, मेरे ये सब बड़े ईमानदार होते हैं ईमानदार थे ही। इसके बाद उन साहब का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर जब हुआ वो गए बिलास, तो जो नए मैनेजर आए उनसे वो कह गए कि ये डब्ल्यू मार्का वाले जो लोग आने ये सब कोई ईमानदार समझना, ये बड़े सच्चे आदमी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, 50,000 रुपये हमारा लौटा दिया, इनके धार्मिक इस प्रकार की ये मान्यता है कि पराया पैसा नहीं रखे, और यही मान्यता थी रामन जी भगवान का यही आदेश। अब ये बात फैली तो सगों ने देखा कि अब अपने काम बनाए, सगों ने देखा अपने काम बनाए, तो ये तिलक लगाने में कुछ लगता उठता नहीं, ठग लोग अपना तिलक लगाने लगे, अच्छे जो सच्चे साधु वही बदनाम हो जाते हैं, उसमें वो तिलक लगाने लगे व्यापारी थे, अब उन्होंने काम शुरू किया, अब उन पर बड़ा विश्वास, अगर राष्ट्र जितना भी वो मांगे ज्यादा रुपया बैंक दे दे तो उनका रुपया डूबेगा नहीं, डूब सकता नहीं। अब लोगों ने भगतने शुरू किया, 5-4 लाख रुपया छोड़े दिनों में बैंक से लग गया, इन्होंने आना बंद कर दिया, तब उनकी प्रतिक्रिया हो गई उन लोगों को ना आने देना अंदर। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ न तो रामानु संप्रदाय पर आक्षेप, न तिलक पर आक्षेप, न वोष पर आक्षेप, वो सब पूज्य हैं बड़े सुंदर हैं, पर इनकी जिन लोगों ने इनके द्वारा बुराई थी, इनके द्वारा उनको लाभ उठाया, इनके नाम पर ठगा, उन ठगों की बात है, वो चाहे गांधी टोपी पहन के ठगे, चाहे गांधी जी का नाम देकर के ठगे, चाहे वो तिलक लगा करके ठगे, बाहरी वेश का महत्व होते हुए भी अंतर की जैसे की शक्ति होती है बाहर की उतनी नहीं भी हो सकती है। तो गीता में यहाँ भगवान ने 12वें अध्याय में बाकी का नाम नहीं लिया, सबसे पहले जहाँ आरम्भ किया अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एक निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षण, एक ही श्लोक पर देख लेना, सबसे पहले बताई समस्त प्राणियों में द्वेष रहित हो, सबसे पहली चीज भूख द्वेष से नहीं कोई, भगवान को सबसे बुरा कौन लगता है, सबसे बुरा जो दूसरों से द्वेष करता है, वो देखते हैं कि तो मुझसे द्वेष करता है दूसरों से भगवान से ना, सबसे बुरा जो लगता है भगवान को जो अद्वेष का द्वेष युक्त है। तो भगवान ने कहा सारे प्राणियों में
एक का नाम ही अमुक जाति में, अमुक वर्ग में, अमुक वर्ण में, अमुक देश में, अमुक वेश में द्वेष करो या उसको मत करो, नहीं कहा। प्राणी मात्र में द्वेष मत करो, लेकिन द्वेष न करना एक नेगेटिव चीज है। कुछ किया नहीं, एक नहीं की थी तो कहा नहीं, ये नहीं। मैत्र और करुण, दो बात बताइए। सबके साथ मैत्री भावना करे। मित्र वो है जो मित्र के दुख को बताता है, जो दुख में सह नहीं लेता सुख में लेता है वो मित्र नहीं, वो तो स्वार्थी है। सुख के समय मित्र बनने वाले बहुत, पर दुख के समय जो मैत्री धर्म का निर्वाह करता है वही वास्तविक मित्र होता है। दुख में जो गले लगा ले, दुख में जो उसको अपने बराबर समझे और अपनी अपेक्षाहीन अवस्था में जिसको समान समझे वही वास्तविक मित्र भावापन्न है। और मित्र के दुख को अपना दुख मान ले, अपना दुख मान ले, इसके अपना दुख इस प्रकार मान ले कि अपना दुख बनाना चाहे वो केवल मान न ले। मित्र का दुख दूर हो तो अपने पर दुख आता हो, जो मित्र रहे। ये एक यूरोपियन कथा है बड़ी सुंदर, जो जो दोस्त रहे, इटाली की बात, जो दोस्त रहे तो उनमें क्या हुआ कि किसी कारण से एक को सजा हो गई फांसी, तो दूसरा मित्र दूसरे दिन क्या है कैसे ये बच जाए बदले में तो फांसी हो जाए। मित्र घर तो योजना बनाई, उसने कहा कि तुम घर हो आए, घर वालों से मिलना जरूरी है, मरना तो है ही। तो उन्होंने इसने वो आवेदन पत्र भेजा कि हम जाना चाहते हैं, घर मिलकर आना चाहते हैं। अब आने जाने के लिए रेलवे थी 3 महीने का अवकाश, तो ये राज्य की ओर से कहा गया कि बदले में कोई तैयार हो तुम्हारे, जो तुम्हारी जगह रहे, और तुम अगर ना आए तो तुम्हारे बदले में सजा वो भुगत ले, ऐसा कोई तुम दे सको आदमी एवज में जमानत में तो तुम जा सकते हो। तो वो तो तैयार था ही। उसने कहा हाँ मेरा नाम लिखवा दो, ये हमारे मित्र आ ही जाएंगे। नाम लिख दिया या सारी चीज बन गई, तो वो चला गया। अब ये उसके बदले हवालात में आ गया जेल खाने में। अब ये मनाता है कोई ऐसी घटना हो जाए तो ऐसा कारण बन जाए कि वो ना आवे तो बड़ा अच्छा। 3 महीने पूरे हो जाए, मुझको फांसी हो जाए और वो ना आवे तो बड़ा अच्छा, उसके प्राण बच जाए। मैत्री है, बैठे है। तो अंतिम दिन आ गया, अब फांसी का समय समीप आया, फांसी के पत्ते पे ले आ गया इसके तैयारी। अब वो देखता जल्दी फांसी लग जाए, वो कहीं आ न जाए। इसने कहा भाई तुम अपना काम करो ना, देखो समय हो गया, दिन में आ गया, तुम देर क्यों कर रहे हो, वो तो आया नहीं। तो कहा अभी तो शिक्षा अभी शाम से ही हो गई है, ये तो जल्दी लगाओ। इतने में आवाज सुनाई दी दूर से घोड़े के साथ, सुनाई आ गया, मैं आ गया, फांसी न लगे न लगे मैं आ गया, पहुंच गया। संध्या हो गई, अब दोनों इस बात पे झगड़ा हो गया। वो कहता है कि तुम देर से आए, तुमको फांसी नहीं होनी चाहिए, हमको नहीं चाहिए। वो कह हमको आ गया, तुम फांसी नहीं चाहते, हमको होनी चाहिए। ये मृत्यु के लिए इस प्रकार का उत्साह जहाँ होता है वहीं से पूर्ण धर्म का वास्तविक विकास है। स्वास्थ्य में तो हम सभी मित्र बन जाते हैं। उस दिन मैंने सुनाया था ना आपको, कन्हैया लाल जब वो एलिपुर बन के सजा वाले, तो इस दिन में 20 पाउंड खून बढ़ गया उस लड़के का फांसी की सजा सुनने के बाद। क्या चीज, चाहे वो खून कम बुरी चीज समझे, नंद गोस्वामी को उसने मारा वो क्यों मारा, वो वहाँ के क्रांति शास्त्र की अलग चीज है, इसको मतलब नहीं। पर मतलब है उसके उसके मन से, कि उसके उसके मन को कितना संतोष था अपनी क्रिया से कि मरने वाले का खून बढ़ जाए, खून सूख जाए महाराज, कोई पाउंड कम हो जाए, 20 पाउंड 10 शेर वजन बढ़ गया 23 दिन में, रोज आज से वजन बढ़ा, मामूली चीज हो रही है। तो अब ये खबर पहुंची राजा के पास, किसको फांसी चढ़ाएं, फांसी एक को होनी है और दो तैयार हैं। ये लड़ाई बचने की लड़ाई नहीं है, मरने की लड़ाई है, विकट लड़ाई है।
तो महाराज इसके बाद राजा आए। राजा स्वयं आए। राजा ने कहा क्या बात है? तो बात पूछी तो उसने कहा तीन महीने का समय था और ये हमारे मित्र देर से आए, साथ हमें लगनी चाहिए। उन्होंने कहा हम टाइम पर आ गए, तीन महीने का दिन थोड़े ही नहीं था, हम आ गए, हमको लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम लोग हो कौन? बोले हम मित्र हैं, दोनों दोस्त हैं। तो राजा ने कहा भाई तुम लोग काम को तुम लोग दोनों के साथ सजा माफ, तीसरा मित्र हमको बना लो। मित्र इस प्रकार के मित्र हो तो क्या कहो कि मित्र करो ना ये बचत। ये बुद्ध धर्म में मैत्री भावना पर बड़ा जोर दिया। मित्र भावना अगर हम जगत में जागृत कर लें प्राणी मात्र के साथ तो जगत का दुख बहुत दूर हो जाए अपने आप। प्रयास नहीं करना पड़ता, छीना झपटी नहीं करनी पड़ती। छीना झपटी तो जहाँ लेना ही लेना देना नहीं हुआ होती है, और जहाँ दोनों दें तो दोनों को मिलेगा। ये जितने झगड़े है ना इसीलिए होते हैं कि हरेक पक्ष लेना चाहता देना कोई नहीं चाहता। लेना चाहने में छीना झपटी होनी है। अपनी संस्कृति में दो चीज थी इससे बदल बची आ गई, वो था त्याग और कर्तव्य। उसके स्थान पर आ गया अर्थ और अधिकार। जहाँ सब त्याग करो सब के अर्थ रहेगा, और जहाँ सब कर्तव्य पालन करो सबका अधिकार रहेगा। और केवल अधिकार और अर्थ के लिए लड़ाई होगी तो घर घर में होगी, मोहल्ले मोहल्ले में होगी, गांव गांव में होगी, देश देश में होगी, विश्व विश्व में होगी, रहेगी नहीं होनी, क्योंकि ये तो इसका स्वरूप यही है। पर सन्य भगवान के देश का भगवान की बात हम भले ही कह दें, कहना बड़ा सहज है, तो सबने भगवान को देख कर सबको सबकी सेवा की भावना से अगर हम कर्म करेंगे तो मेरा किसी का बुरा हमारे द्वारा जान बूझ कर होगा कैसे हो सकता? अपना बुरा हम करते हैं क्या? तो वो अपना बुरा ज्ञान में भले ही कर लें, आवेश में भले ही कर लें, पर बुद्धि पूर्वक अपनी बुद्धि जहाँ तक काम देती है वहाँ तक अपना बुरा कोई कर नहीं सकता। और ये बुद्धि अगर सबने प्रयुक्त हो जाए, सब भगवान के रूप है, सब एक आत्मा है, तो अपने आप होगा। तो ये एक बात बहुत ध्यान में रखने की है कि जगत में कभी आज नहीं कभी अगर सच्ची शांति आवेगी, सच्चा सुख आवेगा और सच्चा युद्ध का विनाश होगा तो वो होगा आध्यात्मिकता से ही, भौतिकता से होगा ही। भौतिकता का विरोध नहीं है, भौतिकता के हमारे यहाँ तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ भी और काम भी, अर्थ और काम का निष्कासन नहीं है, निर्वासन नहीं है, तो अर्थ और काम हो धर्म नियंत्रित और उनका लक्ष्य हो मोक्ष। तो इस प्रकार से यदि होता है तो अर्थ और काम दोनों पवित्र हो जाते। अर्थ वो जो सबको सुख पहुंचा दे, काम वो जो सबकी कामना पूर्ण करे, नहीं तो थोड़े से क्षेत्र में, थोड़े से क्षेत्र में जब अर्थ और काम आकर के सीमित हो जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं। इनका जितना विस्तार है उतना ही ये पवित्र होते हैं। तो सारे जगत में भगवान भरे ये जब होगा तो मैत्री भावना होगी। इसके बाद ये चिल्लर आएगी बड़ी सुंदर, मैत्री भावना में बराबरी है, लेकिन जहाँ दुख है कुछ विशेष वहाँ बराबरी से काम नहीं चलते। विपत्ति काल कर सतगुण अनेहा, दुख में विपत्ति में एक करुणा होनी चाहिए, मन में हृदय रोने लगे। विपत्ति को देख कर दुख का मन करुणाग्र नहीं होता, वो मानव असुर मानव होता। किसी को विपत्ति में देख कर जिसके हृदय जिसका हृदय द्रवित नहीं होता, पिघलता नहीं, तो तीसरी बात कही भगवान ने करुण ये बस करुणाग्र हृदय हो। दुख को देख कर किसी को भी जिससे सहन न हो, दूसरे का दुख अपना दुख बन जाए। हिंदू धर्म में महाराज बड़ी सुंदर परिभाषा है दया की। दया की दुकान नहीं खुलती, सेवा की दुकान नहीं खुलती। जहाँ दुकान खुलती है वहाँ, जहाँ दुकान है वहाँ व्यापार भी होता है। ये दुकान में तो व्यापार होगा भाई, सेवा हमने के बदला क्या मिलेगा?
बदला न मिले तो सेवा क्यों करें। बदला अगर न मिला, कैसे भी मिले, आज मिले, 10 दिन के बाद मिले, 10 वर्ष के बाद मिले, पर अगर बदला न मिला तो हम ये काम करें क्यों, दें क्यों। तो सेवा दया ये कारोबार नहीं, व्यापार नहीं। दया जैसी अच्छी परिभाषा की अब हमारे यहाँ अत्री ऋषि का बात है, वो कहते हैं परेवा बंधु बरदेवा नित्य दृष्टि वा सदा आपन रक्षितव्यंतु दयेशा परिकीर्तिता। जहाँ दया में अपने पराये का भेद है, अभी हम देखते हैं एक नीति बड़ी अच्छी एम्बुलेंस, ये जो लोग हैं ये काम करने वाले सेना में, ये क्या करते हैं, शत्रु का घायल हो चाहे अपना घायल हो, इसको शत्रु पक्ष के सिपाही को कैद कर लेंगे, वो अलग चीज। हम शत्रु पक्ष के घायल सिपाही को दवा दारू देंगे, सेवा करेंगे। ईमानदारी ये कहती है कि वो चाहे नहीं करते हो तो वो उनकी बेईमानी है, उनकी नीति ये नहीं है कि सेवा न करें। तो रेडक्रॉस वाले जहाँ आ गए वहाँ बस उनकी सेवा शुरू हो गई, चाहे शत्रु हो, वो जब अच्छे हो जाएंगे फिर उनको जेल भी देंगे, केस चलेगा, वो अलग चीज। तो इसी प्रकार से दया में अपने पराये का अगर भेद हो तो वो दया नहीं, वो वास्तविक दया वृत्ति उत्पन्न नहीं। हमारे ऊपर तुम दया था ना, दूसरों को निर्दय हो जाए। आज का मानव जैसे है ना, तमाम चीज में पशु पक्षियों का विनाश होता है मनुष्य की रक्षा की भावना से, मनुष्य के लिए दवा बने, मनुष्य के लिए मुक्ति बने, और सारे जीव जो है वो चाहे मारे जाए। हमारे यहाँ 4 कसाई खाना गवर्नमेंट खोल रही है, किसी गवर्नमेंट ने आज तक हिंसा की योजना नहीं थी, ये हमारे गवर्नमेंट को हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कौन सी दूसरे कौन हम है, तो ये क्या चीज है, किसी का दोष नहीं, नियत का दोष नहीं, वृत्ति जैसी होती है ना मनुष्य की, किसी प्रकार से आदमी काम किया करता है स्वाभाविक। तो दया अगर अपने पराय का भेद कर दे तो दया नहीं, मित्र और शत्रु का भेद कर दे तो दया नहीं। जिस किसी को विपत्ति में देख है, विपत्ति जिससे ही उस विपत्ति की स्थिति अपने अंदर आ जाए, उसका दुख अपना दुख बन जाए और अपने दुख को मिटाने के लिए चेष्टा करे, इसका नाम दया। दूसरे का दुख अपना दुख बन जाए, कर्म जाने की चेष्टा हो, वो चेष्टा होती है अंदर से, इसमें दुखवापन नहीं है, इसमें बदला पाने की इच्छा नहीं है, इसमें नाम की इच्छा नहीं। अपने लिए हम काम करते हैं, दौड़ेंगे धूपेंगे, न मालूम कहाँ कहाँ जाएंगे, खुशामद भी करेंगे, बामद भी करेंगे, अनिति भी कर लेंगे, कहीं कहीं पर अपने रक्षा करनी। अगर ये भाव दूसरे के लिए भी हो जाए तो वहाँ जो काम होगा असली होगा। ऋषि कहते हैं दया इसका नाम है जो भेदभाव रहित व दुख निवारण की भावना से होती हो, इसका नाम दया है। तो करुणा दया का रूपांतर, करुणा वही कि सारे भूतों में, सर्वभूता नाम सब के साथ लागू है, सारे भूतों में समस्त प्राणियों में दुख देख कर दया जागृत है। ये भक्त लक्ष्मण बोला निर्नमो निरहंकार सम दुख सुखनी, दया करे पर कहीं मेरा न मान बैठे, फंस जाएगा। दया करे, सेवा करे, प्रेम करे, प्रेम में देना है लेना नहीं, सेवा में देना है लेना नहीं, दया में देना लेना नहीं, और जहाँ ममता आई कि लेना आ गया, ले ही लिया उसी वक्त ले लिया। हरिन को जहाँ तक दया का पात्र समझ कहने के बच्चे के भरत ने रक्षा की, तब तक भरत फंसे नहीं, और जहाँ मेरा बच्चा तो वही फंस गए, 2 जन्म और हुए महाराज जी। तो दया करे, प्रेम करे, द्वेष न करे, परंतु ममता न करे कहीं पर। और ये हमने किया, हम करने वाले, हम बड़े श्रेष्ठ, हम कर्तव्यशील, हम धर्मात्मा, हम भक्त, हम ज्ञानी, और ये सब जहाँ ये हम आया वहाँ सबके प्रति तुच्छता, किसी बात को लेकर कि हम बड़े तो दूसरे छोटे, स्वाभाविक बात। जब हम बड़े किसी बात में आए, किसी बात में छोटे हो गए,
ये बड़ा बन बड़ा होना ही छोटे के अपेक्षा से होता है। छोटा कोई न हो तो बड़ा कोई कैसे हो। बड़े होने का अर्थ है ये किसी को छोटा मानता है। छोटे के अपेक्षा से बड़ा सिद्ध होता है तो बड़ा सिद्ध नहीं हो सकता। तो अहंकार जो है ये बड़प्पन का की घोषणा करता है। हम ऐसा करने वाले हम अमित तो भगवान कहते हैं मेरा अहंकार अहंकार महु। दो बात बड़ी सुंदर अगली करी समझ अपने सुख दुख में। ईश्वर की बात तो आ गई, दूसरे के दुख में दया करे, दूसरे के दुख में मैत्री भावना करे, दूसरे को दुख देने की कल्पना न करे, द्वेष न करे। तो अपने को दुख आ जाए तो सुख आ जाए तो उनको समान समझे। भगवान का दिया हुआ मंगल वरदान। भक्त जो है जो बात समझता है, जो बात समझता है बड़ा सुंदर भाव है। एक नीचा भाव है, किससे ऊंचा भाव। नीचे भाव में मंगल विधान बड़ा ऊंचा है और ऊंचे भाव में प्रेमास्पद का सुख। मंगल अमंगल नहीं, इसमें विश्वास है कि भाई भगवान जो करते हैं ये मंगल ही करते हैं, अमंगल कर नहीं सकते। हम जिसको दुख मानते उसमें भी मंगल, सुख मानते उसमें भी मंगल, अमंगल होगा नहीं। ये तो विश्वास की बात है, सुख दुख में समय रहता है। और जहाँ प्रेम की बात वहाँ तो बड़ी सुंदर भावना, बड़ी सुंदर भावना। वहाँ तो वो कहता है कि प्रेम के लिए अगर प्रेमास्पद किसी बात में सुखी होता हो तो बस वो हमारे लिए अगर दुख की चीज हो तो वो दुख हमको हजार लाख सुखों की अपेक्षा अधिक सुख देने वाला है। तो समदुख सुख भक्त जो होता है समदुख सुखी होता है। इसमें भेदनी होता और फिर बरसात की बात आ गई, बदला लेने की भावना। किसी को दंड मिले ये भावना भक्त में नहीं, ये भावना भक्त में नहीं होती। दंड मिलने की भावना क्षमी का अर्थ क्या है। एक होता है क्रोधी और एक होता है क्षमावान, दोनों में अंतर है। किसी ने हमारा बुरा किया और बुरा करने वाले के प्रति हमारे हमारे शरीर में हमारी हमारे जीवन में हमारे अधिकार में उसका बुरा करने की शक्ति होते हुए भी विकारी नहीं हुआ, उसका नाम तो अक्रोध है। बुरा करने की शक्ति न होने पर क्रोध नहीं आता, उसकी महत्ता इतनी नहीं है। वो तो दमन अपने आप हो जाता है। एक तो दो लगेंगे तो दो लगने के डर से एक नहीं मारता आदमी, कहीं आवेश में मार दे तो दो खा लेता है। लेकिन बुद्धि अगर जागृत रहती है तो नहीं करता हुआ क्रोध भी विवेक से दब जाता है। तो बुरा करने वाले का बुरा करने की क्षमता होते हुए भी बुरा करने वाले के प्रति मन में विकार न होना, क्षोभ न होना, इसका नाम अक्रोध है। और बुरा करने वाले का बुरा न हो इसका उसकी व्यवस्था कर देना, इसका नाम क्षम। प्रतिशोध की भावना बड़ी लंबी चलती है। प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना। एक आदमी ने हमको 10 गाड़ी दी, हमने 20 दे दी, इसमें तो हम इससे बिगड़े 1000 हो गए, कोई बात बचे बचाई नहीं। 10 के बदले में 10 दी, बराबर हो गए, बदला ले लिया। लोग अपनी जबान हम गंदी नहीं करते, गंदे आदमी साथ कौन गंदी जबान करे। सरकार है ही, हमने जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, मैंने स्टेशन में हमने एप्लीकेशन दे दिया, जैसे अमित ने हमको गाड़ियाँ दी, मुकदमे दायर कर दिए। बदला लेने की भावना थी। दूसरा प्रकार ये नहीं किया, मैंने कौन करता आजकल अदालत है बिगड़ गए, न्याय नहीं होता। कौन अदालत में जाए, कुछ नहीं करना कराना है, भगवान सब देखते हैं। वो परम न्यायकारी हैं, वो अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा फल देंगे ही। हमने भगवान के कोर्ट में नालिश कर दी, इससे इससे बुरे का फल भगवान आप जरूर दे दें, ये हमने इस प्रार्थना के रूप में, इस मान्यता के रूप में कह दिया। बदला लेने
ये भी नहीं किया। बोले नहीं, हम तो कुछ नहीं बगड़ा, हम लेना जानते ही नहीं, कुछ नहीं करते। 10 वर्ष के बाद किसी ने इनका अपमान किया, बड़ा बगड़े जोरों से गाड़ियां भी फटकारा, कुछ मारपीट भी कर दी। हमें बात याद आ गई, जैसे वो भगवान के घर में न्याय तो है, कितनी खुशी की बात है ये, क्या मुँह से न कहें, न्याय हो गया ना। इसलिए हमको निर्देश से गालियां दी थी, आज देखो क्या हो गया, बदला नहीं गया। तो चाहे उसको ये गालियां थी दूसरे क्रम से मिली है, पर अपने अपने उनको उसको अपने खाते में खटा लिया। हमारा खाता जो बाकी था बदला लेने का, उस खाते में हमने जमा किया उस रकम को, कि हमारे खाते में ये रकम आ गई। चाहे वो दोष उसका अलग रहा हो, हमने उसको अपने खाते में खटियाया, अर्थात हमारे प्रतिशोध की भावना का हमने आज प्रकाश कर दिया। यहाँ तक हमारे मन में प्रतिशोध की भावना रहती है महाराज, पर यदि हम भगवान माने तो बदला किससे लें। फिर तो ये होगा, ये जो भाग लगा है हमारे, ये भाग इस त्रिकुण के हाथ की मार है। एक प्रेमी कहता है, बड़ी सुंदर भावना है, कि बड़े जोर की चपत लगी जाल पर लगी त्रिकुण के हाथ की, तो उसके कोमल करका कपोल से स्पर्श हो गया, इसमें जो सुख मिला उस चपत का, उस मार का की जो पीड़ा उसके सामने था, कि त्रिकुण के कोमल करका स्पर्श कपोल से हो गया, उसमें जो आनंद मिला, उस आनंद के सामने ये मार की पीड़ा किस गिनती में है। और चपत लगाए और मारे और वो प्रसन्न हो और हमको अपना स्पर्श दान दे पा रहे, कितनी महत्ता, कितना सुंदर भाव है। तो बस, और एक बात ध्यान में रख लीजिए, भला हमारे ये बात सुदृढ़ रूप से आती नहीं, अगर आ जाए तो हमारा कोई फिर बुरा करेगा नहीं, जो भगवान हमारे उसी देंगे। हमारे भगवान जा देंगे तो कुछ दिनों में उससे भी जाग जाएंगे। अपने तो ये ख्याल रखे, पहले अपने भगवान को जगाए, अपने शैतान को खिला दे, अपने अंदर के पाप को पहले जब्त कर ले, अपने अंदर भगवान जागृत कर, जागृत हो जाए तो दूसरों में जागृत होंगे। और हम चाहें कि दूसरे में फिर में भगवान जाग जाए और हम उन भगवान की पूजा करें डर भाव से, तो उनके भगवान भी डरी बन जाएंगे। फिर अपना साथ आप लड़ेंगे, वो लड़ते भगवान है, जी अपनी लड़ते। तो जहाँ ये भगवत प्रेम, वहाँ क्या होता है कि ये सब बातें अपने आप जागृत हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा है कि ये भगवत प्रेम का जो मार्ग है, भगवत प्रेम का जो साधन है, भगवत प्रेम के साधन में कहीं पर भी रूक्षता कटुता है नहीं, कोमलता है। कोमलता क्यों है कि यहाँ विशुद्ध अनुराग से सेवा की भावना है। सब जगह भगवान और सब जगह अपने भगवान की पूजा, नित्य पूजा, इसलिए उनके भगवान कहीं जाते थोड़े, उनके भगवान उनके साथ नहीं जा रहे। जो भगवान को दूसरे अलग रहने वाले भगवान मानते हैं वो तो अलग रहते हैं, तो गोपियों के भगवान मिल के साथ रहते हैं। गोपियों के भगवान जो हैं निरंतर गोपियों के साथ रहते हैं, क्षण भर के लिए भी विलग होते नहीं। क्यों नहीं विलग होते, कि विलग होने पर गोपी रह नहीं सकती। हमारा अस्तित्व भगवान के अस्तित्व पर है, हम यदि हैं तो भगवान का हमेशा रहना है। हमें छोड़कर भगवान अलग रह नहीं सकते, अगर हमको रखेंगे तो या तो हमको रखे ही नहीं, तो हमको यदि वो रखना चाहेंगे तो उनको हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे बाहर रहने को मजबूर होना पड़ेगा। हम नरक में जाएंगे तो नरक में हजरत को जाना पड़ेगा हमारे पास, अरे हम सबसे अकेले। ये नियम, ये सिद्धांत है, हमारी सत्ता उनकी सत्ता पर है, उनकी सत्ता नहीं, हमारा अस्तित्व उनके अस्तित्व पर है। हम हैं तो वो है ही, और वो है तो ही तो हम हैं, ही तो हम अस्तित्व। तो इस बात को प्रेमी जो है वो बहुत प्रत्यक्ष देखता है, वो उसको नीतिमान बना देता है। ये विशेषता उसकी,
वो उस व्यापक को मूर्तिमान बना के खड़ा कर लेता अपने सामने। वो श्याम सुंदर नगली मंदिर के वर्ण मुरली मनोहर सुखदारी मयूर मुकुति भगवान उसके सामने नाचते रहते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये इसकी विशेषता, जब वो प्रकट होते हैं तो जगत में फिर उनकी माधुरी खा जाती है। वो श्याम की वंशी जब बचती है तो सारा जगत इस समय मुग्ध हो जाता है। तुम्हारा तो रही गया, मधुरता में भर जाता है। सारे जगत में माधुरी यदि भरना हो, आज हो चाहे लाख वर्ष के बाद हो, जिनको जगत की चिंता है उनके लिए बात है। जगत को सुखी बनाना हो, जगत को माधुर्य से भरना हो, तो सारे जगत में माधुर्य सौंदर्य के सिंधु भगवान को भर देते। सबने श्याम सुंदर को देखा है कि अपने आप जगत में सौंदर्य माधुर्य का विस्तार होगा, और इनको भूल कर इनकी माधुरी का विस्तार न करके यदि हम किसी भी क्षेत्र में चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे इसका नाम पारमार्थिक हो, हम राग द्वेष को लेकर मधुरता के बदले रुक्षता को लेकर सौंदर्य के बदले भयानकता को लेकर चलेंगे हम, तो वो भयानकता आज हम दूसरों के सामने रख रहे हैं, उलटकर हमारे पास आ जाएगा। दर्पण में वही मुंह देखेगा जैसा हमारा है। संसार में हमको बदला वो मिलेगा जो हम देते हैं, ये सिद्धांत है। हम जो बीज बोते हैं वही अनंत रूप में फल रूप में पैदा होंगे, ये सिद्धांत है। बीज दूसरा हो, फल और नहीं हो सकता। हम अगर जगत को भगवान देंगे, सौंदर्य माधुर्य देंगे, तो हमें जगत में सर्वत्र सौंदर्य माधुर्य के दर्शन होंगे। तो भाई जगत में भक्त का काम यह है, वो भक्त के लिए आवश्यक नहीं है कि वो कहाँ जाकर क्या बोले, तो बोलना दुकानदारी है। वो अपने जीवन से जगत को भगवान दे। हरिओम दर्शन।